कोरोना वायरस के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक में देश में कोरोना वायरस की स्थिति, लॉकडाउन के पालन की समीक्षा को लेकर चर्चा की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही इस बैठक में देश के आर्थिक हालात पर भी चर्चा होना संभव है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सरकार की ओर से मिलने वाले डीए पर भी चर्चा जारी है। कैबिनेट में इसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो चलिए, इस वक्त हमारी संवाददाता प्रीत किरण दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। प्रीत, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कैबिनेट की जो बैठक है वो चल रही है, क्या कुछ चल रहा है इस बैठक में, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, कैबिनेट की जो बैठक बुलाई गई है उसमें आर्थिक मोर्चे को लेके चर्चा की जा रही है कि कोरोना वायरस को देखते हुए जिस तरीके से आर्थिक संकट गहरा रहा है उसको किस तरीके से उनका कौन सी नए जो है नीतियां लागू की जाए, नए छोटे छोटे स्टेप्स उठाए जाए ताकि जो आर्थिक मोर्चे पे है देश सबल हो सके। जिस तरीके से विपक्ष ने आलोचना की थी कि कच्चे तेल का आयात नहीं किया गया, इतने नीचे दामों पर कच्चा तेल गया, -37 डिग्री ऐसे में भी नहीं किया, 37 में भी नहीं किया गया डॉलर पे, तो इसको लेके एक स्टेप उठाया जा सकता है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख रहे हैं कि कोरोना वायरस में जिस तरीके से लॉकडाउन उसमें कुछ रियायत दी जाए, उसमें कुछ राहत दी जाए। जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये लिखा कि शराब की जो दुकानें हैं एक लिमिटेड समय के लिए खोल देना चाहिए क्योंकि आर्थिक संकट से जूझ रहा है पंजाब। इस तरीके से भूपेश बघेल की ओर से एक पत्र लिखा गया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ छूट दी जानी चाहिए, जो जरूरी दुकानें हैं उनको खोला जाना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही है कि कोरोना वायरस से किस तरीके से निपटा जाए और क्या कुछ आर्थिक राहत देने की नए पैकेज का ऐलान भी हो सकता है, इसको लेके भी कयास लगाए जा रहे हैं क्या कुछ आर्थिक राहत दी जाए देश की जनता। बिल्कुल। और प्रीत, अगर देखें तो दिल्ली में आज जो सब्जी मंडी में पथराव हुआ, उसके अलावा अलीगढ़ में भी पथराव हुआ, हम देख रहे हैं कि कई इलाकों में पथराव की जो घटनाएं वो सामने आ रही है। कोरोना वायरस पर लगातार पथराव की घटनाएं सामने आ रही है, क्या इस पर कोई सख्ती बरती जा सकती है, कोई फैसला सामने निकल कर आ सकता है? जी बिल्कुल, पथराव की घटनाओं को देखते हुए आज गृह मंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जिसमें तमाम डॉक्टरों से वो रूबरे हुए। इसके साथ ही जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनसे भी जुड़े क्योंकि वो एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स की तरफ से। जिस तरीके से पिछले दिनों उन पर हमला हुआ तो उनको एक आश्वासन दिया गया कि जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, वो बिल्कुल भी ना घबराए, कोरोना वॉरियर्स की तरह वो लोग काम करते रहे, सारी सुरक्षा जो है उनकी केंद्र सरकार करेगी। इस बीच दिल्ली सरकार की ओर से भी ऐलान किया गया है कि जो लोग भी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, कोई भी अगर कोरोना पेशेंट से जुड़े इलाज में या काम करने के दौरान अगर कोरोना होने से अगर उसकी मौत होती है तो परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो तमाम तरीके से, चाहे वो राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकार हो, उनकी तरफ से लोगों को राहत देने की जो बात है वो की जा रही है। जी, चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रीत किरण ये हमें ताज़ा अपडेट दे रही थी कि केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो इस वक्त चल रही है और खासतौर से कोरोना को लेकर और आर्थिक मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है।